सिडनी से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की खबर आई है। टीम इंडिया को प्रैक्टिस के दौरान ठंडा खाना दिया गया, ये एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आपको जी न्यूज ने बताई और अब टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने भी इसकी पुष्टि की है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लंच के दौरान ठंडा खाना दिया गया और उनका प्रैक्टिस ग्राउंड भी होटल से 1.5 घंटे की दूरी 42 किलोमीटर दूर था। इस भेदभाव की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और उससे ठीक पहले टीम इंडिया के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है? टीम इंडिया से भेदभाव, प्रैक्टिस का दौरान ठंडा खाना, लंच में ठंडा सैंडविच, प्रैक्टिस ग्राउंड 1.5 घंटे दूर, ऑस्ट्रेलिया में मेहमानों का ये कैसा स्वागत? आखिर टीम इंडिया से ऐसा बर्ताव क्यों? पाकिस्तान को हराने वाली टीम को ठंडा खाना क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत करने वाली टीम इंडिया को सिडनी में ठंडा खाना दिया गया। मंगलवार को प्रैक्टिस सेशन के बाद लंच में जैसा खाना मिला उससे भारतीय खिलाड़ी खुश नहीं है। कुछ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के बाद हल्का फुल्का खाना खाया जबकि बाकी ने होटल जाकर खाना खाया। प्रैक्टिस सेशन के बाद खिलाड़ी मैदान में दोपहर का लंच करते हैं, फिर टीम बस से होटल जाते हैं, लेकिन जिस तरह का खाना दिया गया उससे देखकर भारतीय खिलाड़ी काफी निराश दिखे। टीम इंडिया के मुताबिक खिलाड़ी को जो खाना दिया गया उसकी क्वालिटी खराब थी, वो खाना भी ठंडा था। BCCI ने इसकी शिकायत ICC को कर दी। बड़ी खबर जी न्यूज आपको बता रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम खुश नहीं है। कल भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में और जो खाना भारतीय टीम को दिया गया था वो ठंडा था। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई है, ये मामला ऊपर स्तर पर उठाया है, खिलाड़ियों को ठंडा खाना पसंद नहीं आया है। कल भारत का मैच नीदरलैंड से है लेकिन सिडनी ग्राउंड पर भारत को प्रैक्टिस का मौका भी नहीं दिया गया। प्रैक्टिस के दौरान अच्छा खाना तो नहीं मिला, साथ ही जिस मैदान में मैच होना है वहां नीदरलैंड को प्रैक्टिस का मौका मिल गया लेकिन टीम इंडिया को नहीं मिला। भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा ग्राउंड दिया गया है जो उनके होटल से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। सिटी में मेरे पीछे जो अभी होटल देख रहे हैं ये वो टीम इंडिया का होटल है जहां पर टीम इंडिया रुकी हुई है और इस होटल से तकरीबन 45 से 50 मिनट की दूरी पर ब्लैकटाउन नाम की वो जगह है जहां पर टीम इंडिया को कहा जा रहा था एक प्रैक्टिस सेशन लेने के लिए जिससे टीम ने इनकार किया, जिसके बाद ये जो खाने वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एक और पन्ना जोड़ दिया। देखिए बाकी कई जो सारी टीमें हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेशन यहां पर स्टेडियम के पास शेड्यूल किया गया लेकिन टीम को वहां कहा जा रहा था, ये भी कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को जो है गले में नहीं उतरी। अगर ये सिर्फ पहला ऐसा वाकया नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे इस होटल से पहले भी जब ब्रिस्बेन में टीम इंडिया थी वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम को जो है 4-5 स्टार होटल में रुकवाया गया था लेकिन टीम इंडिया को भी वहां 4 स्टार होटल में रखा था। यानी जिस टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की उस टीम के खिलाड़ियों के साथ सिडनी में इस तरह का बर्ताव हो रहा है कि उन्हें अच्छा खाना तक नहीं दिया गया और प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिला। सिडनी से किरण चोपड़ा के साथ कपिल वशिष्ठ, जी मीडिया। हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ इस बड़ी खबर पर सिडनी से जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या यह लापरवाही है या फिर कोई साजिश? देखिए चंदन, ये खबर आज सुबह 4 बजे सबसे पहले जी न्यूज ने ब्रेक की थी और इसका असर अब ये हुआ है कि ICC ने ऑफिशियली तो बयान कोई जारी नहीं किया है लेकिन ये अब अनऑफिशियली तौर पर कहा है कि वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, हम इस मामले को देख रहे हैं। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम दोबारा ऐसी घटना भारतीय टीम के साथ नहीं होगी क्योंकि कल जिस तरह से आप देखिए ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, विराट कोहली पहुंचे थे, रोहित शर्मा पहुंचे थे, दिनेश कार्तिक थे, KL राहुल थे, दीपक हुड्डा थे, मोहम्मद सिराज थे, शार्दुल ठाकुर थे, आर अश्विन थे, राहुल द्रविड़ थे, पूरा सपोर्ट स्टाफ था। अब ये खिलाड़ी अगर पहुंचे हैं सुबह 10:30 बजे, प्रैक्टिस करी है 2-2.5 घंटे, अगर दोपहर का 1-1.5 बज गया है तो उसके बाद खिलाड़ी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको लंच मिलेगा,
आपको गर्म खाना मिलेगा, लेकिन मिला क्या, ठंडे कस्टमाइज्ड सैंडविच और फलाफल, जो कि आप जानते हैं टर्किश डिश है, मिडिल ईस्ट में खाई जाती है, काबुली चने और टिक्की की तरह कुरकुरी होती है। लेकिन ये खाना खिलाड़ी 3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद कैसे खा सकता है? बिल्कुल, तो खिलाड़ियों ने समझ लीजिए कि एक तरह से बॉयकॉट कर दिया, जो वहां रखा हुआ था उसका भी बॉयकॉट कर दिया और वो खाना नहीं खाया, फ्रूट थोड़े बहुत खाए थे और होटल में जाकर खाया। तो खिलाड़ियों ने और टीम मैनेजमेंट ने सख्त शब्दों में एतराज जता दिया है आईसीसी से। आईसीसी क्योंकि होस्ट है इस पूरे इवेंट का, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इससे लेना देना नहीं है चंदन, क्योंकि वो होस्ट नेशन जरूर है लेकिन इवेंट आईसीसी करवा रहा है। अगर बायलैटरल सीरीज होती तो हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बोल सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आईसीसी को बता दिया गया है और अब आईसीसी ने यह कहा है कि वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। जी जी बिल्कुल, और यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ टीम इंडिया के साथ इस तरह का सलूक किया गया है या फिर बाकी टीमों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि एक तो जो पिच दी गई वो भी 42 किलोमीटर दूर थी और उसके बाद खाना भी ठंडा दिया गया, क्या सभी टीमों के साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है? देखिए, हर एक की अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर भारतीय टीम ने अपनी एक गर्म खाने की अगर मांग की है तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप 3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लंच मिलेगा, लेकिन अगर वहां पर खाने के लिए सिर्फ कस्टमाइज सैंडविच है वो, और वो भी ठंडे हैं, तो फिर जाहिर है ये निराश करने वाला है। और जहां तक 1 घंटे की दूरी पर प्रैक्टिस पिच देने का सवाल है, प्रैक्टिस फैसिलिटी देने का सवाल है, तो उसके बारे में भारतीय टीम को पहले ही बता दिया गया था और इसीलिए भारतीय टीम ने 2 दिन पहले बस उम्मीद ये की जाए कि आईसीसी इस गलती से सबक लेगा और आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो। बहुत शुक्रिया कपिल पूरी जानकारी के लिए।